घाटी का इस प्रकार का विनाश करते जा रहे हैं। एक एक बांध में लाखों लाखों लोगों को उजाड़ना, रेत खनन से नदी को खत्म करना, घाटी का नर्मदा का पानी रोज 172 करोड़ लीटर उठा रहे हैं, केवल सिंहस्थ के लिए नहीं, क्षिप्रा के लिए नहीं, वहाँ के इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए गंभीर से उठा रहे हैं, नर्मदा क्षिप्रा लिंक से उठा रहे और लिंक ला रहे। सरदार सरोवर के बांध की ऊंचाई 122 मीटर से 17 मीटर बढ़ाकर 139 मीटर तक पहुंचने वाली मोदी सरकार ये देख नहीं रही है कि डूब क्षेत्र में जो 40,000 हेक्टेयर का क्षेत्र है 214 किलोमीटर फैला हुआ है, उसमें 244 गांव और एक नगर धर्मपुरी धार जिले का, इसमें आज भी 48 से 50,000 तक परिवार बसे हुए हैं। घर, खेत, खलिहान, मकान, मस्जिद, मंदिर, शाला, दवाखाने, सब कुछ चल रहा है, मतदान भी वही होता है, पंचायतें हैं, लेकिन उनको पूरे रूप से डुबाने वाला बांध का कार्य इन्होंने पूरा कर दिया है। और गेट बंद करने की तैयारी अगर ये करते हैं तो ये गुजरात के बाद का दूसरा बड़ा हत्याकांड हो सकता है। पुनर्वास के बदले पुनर्वास में भ्रष्टाचार मिला है, उसकी पोल खोल करने के लिए जहा आयोग हाईकोर्ट ने गठित किया, जहा आयोग की रिपोर्ट 7 साल के बाद हाईकोर्ट के सामने आई, सरकार ने विधायकों को देनी है ये कहकर सुप्रीम कोर्ट में दौड़ लगाकर हाईकोर्ट का आदेश बाजू में रखकर जहा आयोग की रिपोर्ट खुद मुख्य सचिव ने हाथ में लेकर सील बंद रखी हुई है। आज के रोज अगर 200 करोड़ लीटर प्रतिदिन पानी उठाने की योजना है तो कल क्या होगा नर्मदा का, ये सोचने की बात है। ये अंबानी को ला सकते हैं, पर्यटन ला सकते हैं, लेकिन नर्मदा नहीं बचा सकते। एक एक जमीन 8 लोगों को बेची गई है, जो जमीन है नहीं, जो मालिक है नहीं, उसके बदले दूसरे को खलफुड़ा करके झूठे अंगूठे और फोटो लगाए गए। भूमिहीनों को मूल अनुदान केवल दिया है और बकरी दी और बैल दिया और दुकान खरीदा ये बताया है, और पुनर्वास स्थलों का भ्रष्टाचार ऐसा है तो आप चाहते हैं इसको खुला करके भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि 6 हफ्ते में एक्शन टेकन रिपोर्ट दे दीजिए, उस पर हम कमेंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहना चाहिए था कि पहले आंदोलन जो याचिका करता है उनको रिपोर्ट दे दे। ये सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित करते हैं, ये शपथ पत्रों में कहते हैं कि कोई बाकी नहीं है, सबका पुनर्वास हो गया, जबकि हजारों को जमीन देनी बाकी है। हमें हजारों परिवारों को पुनर्वास न्याय के तहत लेना है, उसके बिना विकास विकास नहीं होगा। इस वीडियो को देखने वाले सभी साथियों से निवेदन है कि आप भी हमारी मदद करें। नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, जिनका नाम अफरोज अहमद, जिनका लैंडलाइन नंबर है 0731255824, पर कॉल कर दबाव बनाए।